anyone can cook with us. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मिर्ची वड़ा की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए मैंने ले रखा है 4 मीडियम साइज के आलू, जिसे मैंने बॉईल कर पील करके ग्रेट कर लिया था। 250 ग्राम मोटी वाली मिर्ची, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले अपनी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के आसपास ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून ज़ीरा। इसे हल्का सा स्प्लैटर हो जाने देते हैं और इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी सी प्याज, मैंने ले लिया था, इसे चॉप कर लिया है। इसे मुझे ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च को शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करते रहें ताकि मसाले हमारे जलने ना पाए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। सभी मसालों को अच्छी तरीके से आपको लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है, इसमें पानी नहीं शामिल करना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक का यूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सभी मसालों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें अपने बॉइल पोटैटो को शामिल कर दूंगी और मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारे आलू का मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी चॉप हरी धनिया को मिक्स कर दिया है। तो हमारी स्टफिंग बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी सा मसाला बन करके तैयार हुआ है। तो अब मैं इसे अपने बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, इसे ठंडा कर लेते हैं। तो अपने स्टफिंग को भरने के लिए इस तरीके से मिर्ची को आपको बीच से गाँट लेना है और इसकी सीड्स को आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ना चाहें तो ना निकालें, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं निकाल दे रही हूँ। और अगर आप मिर्ची वड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप लाएं 2 दिन मिर्ची रख देंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त उसमें स्टफिंग होती है। तो इस तरीके से मैं इसमें स्टफ कर रही हूँ। ये देखिए दबा दबा करके अच्छी तरह से आपको अपने मसालों को इसमें भर देना है। तो इस तरीके से मैंने भर लिया है, इसी तरह से मैं अपने बाकी के मिर्ची को भी तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए हमारी मिर्ची तैयार हो गई है, तो अपने बेसन के घोल को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मैं घोल लूँगी। इसे मुझे ना बहुत ही थिक बनाना है और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन का घोल बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बना है। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, थोड़े से हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून से कम बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पर आपको बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है, बेकिंग सोडा का नहीं। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो आप हमारे बेसन की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, ना ये बहुत ही ज़्यादा थिक है ना बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अब अपनी मिर्ची वड़ा को फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इस पर कोट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ही ज़्यादा थिक है, बेसन की बहुत ही ज़बरदस्ती कोटिंग हो रही है। तो इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब इसे मैं ऑयल में शामिल कर देती हूँ और इसी तरह से बाकी के भी मिर्ची वड़ा को बेसन में डिप करके फ्राई कर लूँगी। इसको ऑयल में शामिल करने के बाद तुरंत इसे टच नहीं करना है, नहीं तो इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम पर रखना है ताकि हमारी जो मिर्ची है वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए, और इसे इसी तरीके से आपको पलट पलट करके फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त मिर्ची वड़ा बन करके तैयार हो गए हैं।
इसी तरह से बाकी के मिर्ची वड़ा को भी बना करके तैयार कर लूँगी। फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सभी मिर्ची वड़ा बन करके तैयार हो गए हैं। आप इसे चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।